का। चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों पे। बड़े उद्योगपति की मदद के लिए आरबीआई पर मोदी सरकार का हमला। इस सरकार में बैठे कारोबारियों के तरफदारों ने एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। हर बार ऐसे तख्ता पलट को अचूक तरीके से अंजाम देते हैं। इस बार एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंकों को आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत एक निर्देश जारी किया। दिवाली छठ पूजा के मौके पर रेलवे ने शुरू की नई सर्विस। घर बैठे खरीद सकते हैं ट्रेन की जनरल टिकट यूटीएस ऐप पर। दवाई की ऑनलाइन बिक्री पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। मद्रास उच्च न्यायालय ने बुधवार को दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को 9 नवंबर तक रोकने के अंतरिम आदेश को मंजूरी दी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में मंगलवार को हुए नक्सली हमले में एक मीडिया कर्मी समेत 2 जवानों की मौत हो। नक्सली हमले में बाल बाल बच्चे, दूरदर्शन के पत्रकार, 10 साल पुरानी 40 लाख गाड़ियां दिल्ली की सड़कों से हटेगी, की जा सकती है जब्त। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 40 लाख वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इसमें 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन भी शामिल हैं। श्रीलंका का राजनीतिक संकट में, संसद सत्र नहीं बुलाएंगे राष्ट्रपति सिरीसेन। श्रीलंका में जारी राजनीतिक संकट एक बार फिर पहले की स्थिति में पहुंच गया है। राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरीसेन की पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने गुरुवार की शाम को कहा कि नवंबर से पहले संसद का सत्र नहीं बुलाया जाएगा, जबकि सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि 5 नवंबर को संसद में सत्र बुलाया जाएगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा, मध्य प्रदेश में चुनाव हार सकती है बीजेपी। मध्य प्रदेश से बीजेपी के लिए बुरी खबर आई है। स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में चुनाव हार सकती है। एमपी में विधानसभा चुनाव, बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 2 मंत्रियों और 27 विधायकों के कटे टिकट। भारतीय जनता पार्टी के शुक्रवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी किया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 177 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। इसके अलावा बीजेपी ने तेलंगाना के लिए 28 और मिजोरम के लिए 24 उम्मीदवारों की घोषणा की। 53 साल के हुए शाहरुख खान जश्न मनाएंगे सड़कों पे पहुंचे फैंस। हॉलीवुड के बादशाह जल्द ही जीरो में नजर आने वाले हैं। शाहरुख खान अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं। ये दिन शाहरुख से ज्यादा उनके फैंस के लिए खास होता है। शाहरुख के घर मन्नत के बाहर रात से ही लाखों फैंस जमा होने लगते हैं। शाहरुख अपने बालकनी पर आते हैं और फैंस का बधाई स्वीकार कर उनका अभिवादन करते हैं। दीपिका के घर में शुरू हुई शादी की रश्मि, देखें पहली तस्वीर। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह लंबे समय तक चले अपने रिलेशनशिप के बाद अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। दोनों का शादी समारोह 14 और 15 नवंबर को संपन्न होगा। फटाफट खबरों में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।